हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टॉप एमसीक्यूज ऑन फर्स्ट इन इंडिया ओल्ड प्लस न्यू, यानी कि नए क्वेश्चन एज वेल एज हम पुराने क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन फिजिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी वी रमना। तो देखिए सी वी रमन यहाँ पे होगा, सी वी रमन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो देखिए बात यहाँ पर नोबल प्राइजेस की हुई है। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो नोबल प्राइज़ था ये 1901 में अवार्ड किया गया था, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबल प्राइज़ ये कौन से 6 फील्ड्स में दिया जाता है, पहले आपको ये याद रखना है। और उन फील्ड्स का नाम है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो देखिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में और पीस में। और जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और उनको कौन सा प्राइज़ मिला था ये आपको होमवर्क है, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात यहाँ पर INC की हुई है। तो देखिए इसकी फॉर्मेशन 1885 यानी कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसके जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी वॉज सरोजनी नायडू। अगर हम बात करें जस्ट फर्स्ट वुमन की तो वो थी एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजय कानिया। तो देखिए इनका पूरा नाम था हीरा लाल जय किशन दास कानिया। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। और करंट में हमारे चीफ जस्टिस कौन है, तो देखिए करंट में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं राजीव कुमार। तो देखिए राजीव कुमार ये हमारी कंट्री के 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए सुकुमार सेन ये हमारी कंट्री के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। अगर हम बात करें करंट में जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन हैं, तो ओम बिरला वो हमारे करंट में स्पीकर हैं ऑफ लोकसभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ द इंडियन मेडिकल सर्विस IMS। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य कुमार चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विस IMS, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इन इंडिया। तो देखिए या फिर सिंपली हु वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिनाकी चंद्र बोस। ही वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, और हु वॉज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए बहुत बार बंगाल और इंडिया के गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इंडिया के तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और जो बंगाल था वहाँ के थे वॉरेन हेस्टिंग। तो ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सैम मैकिनशॉ वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया एंड ही बिलोंग्ड टू द कोडागु कम्युनिटी ऑफ कर्नाटका। ये भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शांति तिग्गा वॉज द फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन इन द इंडियन आर्मी हु वॉज अवॉर्डेड विद द कोवेटेड स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर प्राइज। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिव्या अजित कुमार। दिव्या अजित कुमार ये फर्स्ट इंडियन वुमन है जिनको अवार्ड किया गया है स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर प्राइज। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री के फर्स्ट होम मिनिस्टर बने थे, ये भी आपने याद रखना है। एज वेल एज ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोदंदेरा मडप्पा करियप्पा, ये थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, कॉस्मोनॉट मतलब द फर्स्ट पर्सन टू विजिट स्पेस, क्योंकि कॉस्मोलॉजी इट इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। सो कॉस्मोनॉट द पर्सन हु विजिट स्पेस और यूनिवर्स। तो देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो हमारी कंट्री के फर्स्ट जो कॉस्मोनॉट थे वो थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट को पायलट एंड शी इज एन IAF ऑफिसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, अवनी चतुर्वेदी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट विदाउट अ को पायलट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द इंडियन हु वन द मिस यूनिवर्स क्राउन फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुष्मिता सेन हमारी कंट्री की फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी थी, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी और ऑस्कर अवार्ड। तो देखिए जो अकेडमी अवार्ड्स हैं इनको ही हम ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, और ऑस्कर अवार्ड्स अगर को ज़्यादा फैमिलियर है तो ऑस्कर अवार्ड्स को अगर आप जानते हैं तो इनको अकेडमी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये मेनली फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं। तो हमसे पूछा है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको अकेडमी अवार्ड मिला था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि भानु अथैया फर्स्ट इंडियन थे जिनको अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुचिता कृपलानी ये फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन ऑफ आर इंडिपेंडेंट पीरियड। ऑल्सो शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबल प्राइज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, मैंने आपको ऑलरेडी सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था फर्स्ट टाइम नोबल प्राइज। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड विद नोबल प्राइज एंड इनको लिटरेचर में मिला था 1913 में फॉर हिज बुक गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीता फारिया फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो बनी थी मिस वर्ल्ड, यानी कि इन्हें मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसे जीता था। सो रीता फारिया ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री शंकर कुरूप वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन हु वन द ग्रैमी अवार्ड। तो देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित रविशंकर ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिनको मिला था ग्रैमी अवार्ड इंडिया में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए सिंपली, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऑप्शन ए जस्टिस हीरालाल जय किशन दास कानिया, ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। देखिए एपेक्स कोर्ट मतलब द सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का डायरेक्टली मतलब है सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स मतलब सबसे बड़े लेवल का कोर्ट हमारी कंट्री में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए जस्टिस एच जे कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू बी अपॉइंटेड टू द ICC यानी कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि GS लक्ष्मी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन जिनको अपॉइंट किया था ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सावित्री बाई फूले द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फूले, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, शी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था फॉर इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, शी वॉन्टेड द गर्ल चाइल्ड ऑल्सो टू बी एजुकेटेड जस्ट लाइक द बॉय चाइल्ड, सो She is considered to be the first Indian teacher of our country. Next question, where was the first National Logistic Excellence Award 2021 organized by the central government? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू दिल्ली में। तो देखिए न्यू दिल्ली में फर्स्ट नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये करेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन इन इंडिया टू कनेक्ट इंडिया एंड नेपाल ऑन द रामायण सर्किट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये बन गई है इंडिया की फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन जो कनेक्ट करती है इंडिया और नेपाल को रामायण सर्किट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट बालिका पंचायत टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात हमारी कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने स्टार्ट की है बालिका पंचायत, क्या करने के लिए, टू प्रमोट सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड की सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने बालिका पंचायत को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट 100 MLD यानी कि मिलियन लीटर्स पर डे कैपेसिटी डिसैलिनेशन प्लांट इनॉग्रेटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात के दहेज में जो इंडिया का फर्स्ट 100 MLD डिसैलिनेशन प्लांट है इसको सेटअप किया गया है एंड इट इज़ मेनली मेड फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख में इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व को बिल्ड किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बद्रुद्दीन तैयब जी। तो देखिए बद्रुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू मैन्युफैक्चर डिस्प्लेस फॉर स्मार्टफोन्स टैबलेट्स कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स टू बी सेटअप। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना में हमारी कंट्री का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो क्या मैन्युफैक्चर करेगा, डिस्प्ले ऑफ स्मार्टफोन टैबलेट और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के डिस्प्लेस को मैन्युफैक्चर करेगा, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसको एस्टैब्लिश किया गया है तेलंगाना में,
और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी स्टैब्लिश्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीजेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरला के कोची में इंडिया का फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्स कॉल्ड। तो देखिए, इंडिया की जो फर्स्ट ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी है जो डायग्नोस करेगी, बट इट इज़ मेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर डिजीजेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची, जो केरला का कोची है यहाँ पर ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी को सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड की बचेंद्री पाल, शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो देखिए, बात यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हुई है, तो उसकी जो हाइट है वो 8,849 meters मानी जाती है। समवेयर इट इज़ रिटर्न 8,848 और 8,850, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट विच मोस्ट ऑफ द ऑथर्स कंसिडर इज 8,848 meters। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये थे फर्स्ट जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिसेस लीला सेठ, ये फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस थी किसी भी इंडियन हाई कोर्ट की, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोरारजी देसाई इंडिया के ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट में, अपने फुल टर्म को कंप्लीट करने से पहले ही, अपने फुल टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रेस्लर टू विन एन एशियन गोल्ड मेडल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवजोत कौर। तो देखिए, नवजोत कौर फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर थी जिन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, ये आपने याद रखना है। तो देखिए, बात यहाँ पर एशियन गेम्स की हुई है, तो एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, 4 मार्च 1951 को एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे। और देखिए, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे ये इंडिया में ही हुए थे, हमारी कंट्री होस्ट कंट्री थी, और कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किए थे, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन द इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्काइंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आंचल ठाकुर इंडिया के ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जीता था इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्काइंग, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन एशियन गेम्स मेडल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइना नेहवाल इंडिया की फर्स्ट वुमन बैडमिंटन प्लेयर थी जिन्होंने जीता था एक मेडल इन द एशियन गेम्स, ये आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल एट एशियन गेम्स। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि शांति सौंदराजन। तो देखिए, शांति सौंदराजन ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने जीता था सिंपली एक मेडल एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इसको कट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीवी सिंधु इन बैडमिंटन, शी हैड वन द फर्स्ट ओलंपिक सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो को एंड करते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट से। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, पुश योर सेल्फ एज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि आपको खुद ही हार्डवर्क के थ्रू अपने आप को पुश करना है टूवर्ड्स योर गोल, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, एज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑल अराउंड। एट लास्ट यू विल जस्ट हैव टू डू इट
फॉर योर सेल्फ. सो विद दिस आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.